मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरी तमाम वीडियोस देखनी बिल्कुल फ्री हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। मैं आज आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ चिकन करी। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, ख़ास तौर पर सहरी में बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें और लाइक का बटन दबाना मत भूलें। चलें चिकन करी की रेसिपी शुरू करते हैं। एक पतीली लें, इसमें हाफ के जी मैंने चिकन ऐड किया है और दो अदद मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके डाल दिए हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। मसालों में मैं नमक हस्बे जायका लिया है, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, हल्दी भी मैंने 1 टीस्पून ली है, गरम मसाला 1 टीस्पून है और रेड चिली फ्लेक्स मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं और 1/2 टीस्पून ही इसमें ज़ीरे का पाउडर लिया है। ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही 2 अदद टमाटर जो मैंने बारीक पीस लिए थे वो डाल दिए हैं। साथ ही इसके 4 टेबलस्पून के बराबर दही शामिल कर देंगे। 1/2 कप मैं इसमें तेल डाल दूंगी। अब तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही अब गैस ऑन कर देंगे। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख दूंगी ताकि टमाटर और दही अपना पानी छोड़ दें। 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर और दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। 1/2 कप के बराबर मैं इसमें पानी भी शामिल कर दूंगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से इस पानी में कुक हो जाए। अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट तक इसकी मीडियम फ्लेम पे कुकिंग करूंगी। वक्फे वक्फे से बीच में मैं चम्मच भी चलाती रहूंगी। 15 मिनट हो गए हैं, आप देख लें चिकन कुक हो गया है और मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून के करीब डाल दूंगी और इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि लो फ्लेम पे कसूरी मेथी की खुशबू पूरे चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 1 मिनट हो गया है, चिकन करी तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर लूंगी। मैंने इसे खुश्क बनाया है, आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा पानी शामिल करके इसकी थोड़ी ग्रेवी यानी शोरबा टाइप भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर चिकन रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सहरी के लिए इस तरह की छोटी छोटी सी रेसिपी मिलती रहें। और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें क्योंकि नोटिफिकेशन उसी के ज़रिए आपको मिलेगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।